हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, जिसका नाम है कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग प्रोसेस को 1881 में निकोले बनार्डोस स्टेनिस्टा ओलेस्की ने इसको इन्वेंट किया था। और यह आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का एक टाइप है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग इसको कहा जाता है, और एक फ्यूज़न वेल्डिंग भी है। तो बात करते हैं इस वेल्डिंग प्रोसेस में किस प्रकार से कार्य होता है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहती हैं। अगर आपको डायग्राम देखें तो दो डायग्राम आपके सामने है, क्योंकि कार्बन आर्क वेल्डिंग दो टाइप की होती है, सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। तो दो टाइप होते हैं। सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, जबकि ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग में दो इलेक्ट्रोड का इसमें यूज किया जाता है। तो कह सकते हैं कि इन वेल्डिंग प्रोसेसेस में, अगर हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, तो इसमें अगर आप देखें जो पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डीसी पावर सोर्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, या कह सकते हैं ज़्यादा जो सूटेबल है वो डीसी पावर सोर्स रहता है। क्योंकि जो डीसी पावर सोर्स होता है इसमें जो हमारे टर्मिनल हैं वो फिक्स रहते हैं, और इस केस में हम डीसीईएन मतलब कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, या कह सकते हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी का ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है। स्ट्रेट पोलैरिटी के कारण जो इलेक्ट्रोड होती है उसको डीसी पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और वर्क पीस को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो कह सकते हैं वर्क पीस पर हमारा जो एनोड होता है और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर की मदद से इलेक्ट्रोड को होल्ड किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड होती है वो बैक्ड कार्बन या फिर प्योर ग्रेफाइट की बनी होती हैं, और यह नॉन कंज्यूमेबल होता है, तो इसलिए हमें अलग से एक फिलर मेटल की ज़रूरत होती है, ताकि जो वेल्ड पूल होता है उसमें अलग से मटेरियल को ऐड किया जा सके। तो बात करते हैं जो इलेक्ट्रोड की हमने डिस्कशन की कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, और इसका जो डायामीटर रहता है वो तकरीबन अगर आप देखें 4 mm से 25 mm डायामीटर रहता है। लंबाई इसकी 300 mm से 450 mm तक हो सकती है, और करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो 15 एम्पियर से 600 एम्पियर तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड का डायामीटर कितना है या फिर किस टाइप की इलेक्ट्रोड है। अगर हमारी कार्बन इलेक्ट्रोड है या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है उस पर भी है, डिपेंड करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम वोल्टेज रिक्वायर्ड की बात करें डीसी वेल्डिंग के केस में, हमारी जो वोल्टेज होती है वो 40 वोल्ट के आसपास रहती है। तो सबसे पहले जब यहाँ पर आर्क को इनिशिएट किया जाता है, इलेक्ट्रोड और वर्क पीस में आर्क को इनिशिएट किया जाता है, और जो आर्क लेंथ है वो तकरीबन 25 से 40 mm के बीच में होती है। 25 से 40 mm आर्क लेंथ की लंबाई रहती है। तो जैसा हमने बात की स्ट्रेट पोलैरिटी इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट पोलैरिटी के प्रयोग से इलेक्ट्रोड के साइड के आसपास जो हीट जो जनरेशन होते हैं उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, जिसके कारण कार्बन इलेक्ट्रोड की लाइफ भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी के दौरान जो टोटल हीट जनरेट होती है उसका 60 से 70% एनोड पर होता है जनरेशन, और बाकी जो रेस्ट ऑफ हीट होती है वो कैथोड पर जनरेट होती है। तो जो वेल्ड पूल के टेम्परेचर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं आर्क लेंथ को कम या ज़्यादा करके, आर्क लेंथ 25 से 40 mm के बीच में होती है। अगर हम बात करें कि हमने इसमें डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी को ही क्यों यूज़ किया, कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग के लिए अगर हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करें, रिवर्स पोलैरिटी का मतलब कि इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, तो उससे क्या होगा कि जो कार्बन इलेक्ट्रोड होती हैं उसके कारण जो कार्बन है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम इसमें रिवर्स की बजाय स्ट्रेट पोलैरिटी का इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात करें कि जैसा हमने डिस्कस किया कि कार्बन इलेक्ट्रोड होती हैं नॉन कंज्यूमेबल होती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट भी हो जाती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की शील्ड बन जाती है हमारी जो आर्क है उसके अराउंड, और जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसको ये रिप्लेस कर देती हैं। तो जिससे हमें वेल्ड को आवश्यकता अनुसार प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ये जो प्रोसेसेस होती हैं सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, तो ये फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन के लिए ज़्यादा इसको उपयुक्त माना जाता है। तो सबसे बेस्ट जो पोजीशन रहती है वो फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन रहती है इस केस में।
और जो आर्क होती है वेल्डिंग में, जो इलेक्ट्रिक आर्क है उसको वर्क पीस से तकरीबन 6.5 mm से 9.5 mm के बीच के डिस्टेंस पर इसको रखा जाता है। तो जो सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग है इसमें डीसी पावर सोर्स है और ड्यूटी साइकिल 60% तक हो सकता है। कांस्टेंट करंट हमें चाहिए ताकि हम जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है कार्बन का उसको कम रख सकें। अब मैं बात करता हूँ ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग की। जैसा कि नाम से पता चलता है ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड, कि इसमें हम दो इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं और उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल होल्डर होता है और उस पे एक नोब लगी होती है। उस नोब के द्वारा जो आर्क लेंथ है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और इस केस में जो आर्क जनरेट होती है वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क जनरेट होती है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में आर्क जनरेट होती है। डिफरेंस है दोनों के केस में कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो आर्क है वो प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो पावर सोर्स रहता है एसी पावर सोर्स होता है, अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्स इसमें होता है और इसमें लो ड्यूटी साइकिल होता है, सिंगल फेज लिमिटेड इनपुट एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। और जो फिलर मेटल हम यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन ब्रोंज का बना हो सकता है, जिसको हम यूज़ करते हैं कॉपर अलॉय को कॉपर अलॉय के साथ जोड़ने के लिए या कॉपर अलॉय को किसी दूसरे मेटल के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क को क्रिएट किया जाता है, आर्क लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर लगे एक नोब के द्वारा। और जो आर्क टेम्परेचर रहता है इस प्रोसेस में वो 4400 डिग्री से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहता है। तो बात करते हैं कि जो कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग है उसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर एडवांटेज की बात करें, इसका जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं और जो वेल्डिंग ऑपरेशन है उसकी हमारी कॉस्ट कम रहती है और इस प्रोसेस के लिए कोई हाई स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और दूसरा, वर्क पीस का डिस्टोर्शन भी कम होता है और इस प्रोसेस को इजीली ऑटोमेट भी किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि इस प्रोसेस में जो हमें करंट चाहिए वो करंट हमें ट्वाइस चाहिए, दुगना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेटल इलेक्ट्रोड का यूज़ करें कार्बन इलेक्ट्रोड की जगह तो उसके मुकाबले इस प्रोसेस में ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन जो क्वालिटी होती है वेल्ड की वो अनस्टेबल रहती है और जैसा हमने बात की जो इलेक्ट्रोड का जो कार्बन है वो कंटेमिनेट्स, हमारा जो वेल्ड मटेरियल है उसके साथ वो कंटेमिनेट्स की फॉर्म में आ जाता है जिससे कार्बाइड्स बनते हैं। एप्लीकेशन की बात करें इस प्रोसेस में, एल्युमिनियम, निकल, जिंक, लेड अलॉय का हम इसमें वेल्ड कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील को वेल्ड किया जा सकता है, कॉपर अलॉय को कॉपर अलॉय के साथ या कॉपर अलॉय को किसी दूसरे मेटल के साथ इसको हम वेल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि ये दोनों प्रोसेसेस कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग के टाइप हैं। अगर मैं बात करूँ बेस मेटल की जो थिकनेस होती है, बेस मेटल की थिकनेस अगर ट्विन इलेक्ट्रोड की बात की जाए 1.5 mm है तो उसके लिए डायमीटर 6 mm होगा, वेल्डिंग करंट 50 एम्पियर होगा और आर्क वोल्टेज 35 से 40 वोल्ट के बीच में होगी और वो भी एसी। अगर 3 mm थिकनेस होगी मेटल पीस की तो 8 mm का डायमीटर चाहिए इलेक्ट्रोड का, 75 एम्पियर वेल्डिंग करंट चाहिए और 35 से 40 AC वोल्ट हमें चाहिए इस केस में। अगर 6 mm थिकनेस है वर्क पीस की मेटल की तो 10 mm का डायमीटर चाहिए इलेक्ट्रोड का और 100 एम्पियर करंट चाहिए और जो आर्क वोल्टेज होगी वो 35 से 40 के बीच में होगी। अगर मेटल जो वर्क पीस है उसकी थिकनेस 6 mm से ज़्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है वो 10 mm से ज़्यादा होगा, वेल्डिंग करंट 120 एम्पियर के आसपास होगा और आर्क वोल्टेज 35 से 40 वोल्ट होगी। अगर मैं आपके साथ बात करूं सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग के केस में, इसमें जो करंट कैरिंग कैपेसिटी हमने बात की थी कि वो 15 एम्पियर से 600 एम्पियर तक वेरी करती है। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, ये जो इलेक्ट्रोड है अगर इसका डायमीटर 3 mm है तो बेक्ड ग्रेफाइट की अगर बेक्ड कार्बन की इलेक्ट्रोड बनी है तो उसके लिए 15 से 30 एम्पियर करंट चाहिए, अगर वो प्योर ग्रेफाइट की बनी है तो उसके लिए 15 से 35 एम्पियर करंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस इलेक्ट्रोड का डायमीटर 8 mm है
तो अगर बैक्ड कार्बन की बनी है तो उस केस में 75 से 115 एम्पियर का करंट चाहिए। अगर वो प्योर ग्रेफाइट की बनी है तो 80 से 125 एम्पियर उसके लिए करंट चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रोड होती है इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि इसका डायमीटर कितना है और ये किस टाइप की है, किस मटेरियल की ये बनी है। तो दोस्तों इसके साथ हम जो ज्वाइंट लगा सकते हैं, लैप ज्वाइंट लगा सकते हैं, कॉर्नर ज्वाइंट लगा सकते हैं, बेवल ज्वाइंट, फ्लैंज ज्वाइंट इसमें हम लगा सकते हैं। लेकिन कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग को अगर हम बात करें, इसको वर्तमान में रिप्लेस कर दिया गया है टिग वेल्डिंग के द्वारा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के द्वारा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के द्वारा, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग के द्वारा। वर्तमान समय में इस वेल्डिंग प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया गया है। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।